नमस्कार, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित लांबा और जी आज आए हैं तोशाम और भवानी खेड़ा के बीच में कोई जगह है भाई, तोशाम बुलटाना चौक आई थिंक उसको बोलते हैं। और हर्षवर्धन ओम प्रकाश मान जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, खट्टर साहब की जन आशीर्वाद यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है ओम प्रकाश मान जी के बारे में इनके विचार। तो आइए पूछते हैं लोगों से। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार और जी कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। ओम प्रकाश मान जी का कैसा स्वभाव है जी? देखो जी, ये हमारे स्वर्गीय दादाजी हैं, इनसे मतलब हमारे गांव की सबसे आन बान शान है ये हमारे गांव की। अच्छा, ओम प्रकाश मान जी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब दाहिना हाथ है गांव का। अच्छा, अब तो भगवान की नजर से मतलब वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, पर इनसे बढ़िया आदमी कोई भी नहीं है गाँव में। बहुत बढ़िया गाँव में। तो जी ये उनके लड़के हैं हर्षवर्धन मान जी? हाँ जी, ये मेरे काकाजी हैं, मतलब इनके साथ भी हम घूमे हैं बहुत सारी जगह पर। ये भी उन्हीं के साथ, बिल्कुल उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं, बिल्कुल वही वाले गुण हैं इनके अंदर, वही दुष्पटों का आदर सम्मान सभी नीतियाँ इनके अंदर भी अच्छा अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया स्वभाव के, बढ़िया स्वभाव, बहुत बढ़िया। और भगवान ने चाहे तो हम कुछ ना कुछ करके आगे बहुत आगे बढ़ाना है। चलो धन्यवाद। हाँ तो राम राम। राम राम। राम राम। और ठीक से तो बढ़िया। तो किसा प्रोग्राम चल रहा है? बढ़िया, एक नंबर का। एक नंबर का। भीड़ भाड़ कितनी से? कसुत्ती भीड़ से यार। कसुत्ती भीड़ से। किसा का स्वभाव है अपना ओम प्रकाश ना हर्षवर्धन जी? बढ़िया, एक नंबर का। बढ़िया सर भाई। चांस कितने से? बोले से जी 100% चांस। बढ़िया सर, बढ़िया। खट्टर साहब आऊंगे, आशीर्वाद देके जाऊंगा। देके जाऊंगा बिल्कुल आशीर्वाद। टिकट है इसने देगा? मिल सका है चांस? फुल फुल चांस। तो जी जीत के तो कुछ करेंगे हल्के खातर अगर मिल जाए। काम ये करेंगे और कौन करेगा? कर देंगे। करते जी करते आए हैं, पहले भी करते आए। हाँ इनके पिताजी राजनीति में थे। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चल, बढ़िया पोजीशन चल रही फिलहाल, टिकट भी इसमें मिलाई। बढ़िया पॉजिटिव। चलो जी धन्यवाद, आ जाओ जी साइड। हाँ भाई जी। राम राम। भाई राम राम। और जी कैसे हो? बढ़िया है सर। कैसा प्रोग्राम चल रहा है ओम प्रकाश? बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब, बढ़िया प्रोग्राम। हाँ बढ़िया। किसी का भीड़ भाड़? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। जाम है नहीं? टूटन मार है अभी सर 15 किलोमीटर में। अभी तो और जाम लगेगा बहुत सारा, रोड जाम कर दिया सर। 2-3 हज़ार गाड़ी और आ रही है पीछे से अभी। 2-3 हज़ार? ज्यादा तो नहीं होगी जी? ना ज्यादा नहीं है, देख लियो। 2-3 हज़ार? नहीं, अभी पीछे 10-12 किलो में पार्किंग है, बहुत ज्यादा पार्किंग। इतनी तो जगह है कोनी अपनी? ना जगह रखी है पीछे, देखो आप पीछे भी जाके देखो फुल पार्किंग है। हाँ जी सर बोलो साहब। कैसा स्वभाव है जी अपने हर्षवर्धन जी? मैं पकड़ लूंगा। स्वभाव ऐसा है कि हमारे हर्षवर्धन को टिकट मिलनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर से विनती करते हैं कि हमारे भाई को टिकट दे। अच्छा। कम से कम भी यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 4,000 कम से कम भी खट्टर साहब के लिए 4,000 इकट्ठे हुए हैं। आशीर्वाद देके जा रहे हो, टिकट देके जाए आशीर्वाद से क्या होता है? हम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यार हर्षवर्धन सिंह को यहाँ से तो शाम हल्के से टिकट दे। स्वभाव कैसा है अपने? जिस तरह तब्बर को गोदी की जरूरत होती है उसी तरह देश को मोदी की जरूरत है। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, धारा 370 मोदी ने हटाई, पाकिस्तान में बम मोदी ने गिराए, अभी तो पता नहीं मोदी मोदी क्या गिराएगा और कश्मीर तक भारत का झंडा फहराएगा। वाह जी वाह, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन कोई हर्षवर्धन भाई को भी जाने? ये भी ओम प्रकाश मान के वह लड़के हैं जिन्होंने तो शाम हल्के के लिए, जींद हल्के के लिए क्या क्या नहीं किया। वाह जी वाह। इसलिए मैं खट्टर जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे देश का युवा नेता हर्षवर्धन भाई इसको टिकट दे, हाथ जोड़कर सभी युवा आए हुए इधर हर्षवर्धन भाई के लिए। अच्छा स्वभाव है जी मान साहब का? बहुत अच्छा स्वभाव है, युवा नेता जोश भी है, सब कुछ है इसके अंदर। चलो जी धन्यवाद, देखते हैं जी। हाँ देखो देखो। आता हूँ। राम राम। राम राम। और तब ठीक से? हाँ ठीक है। किसा से था प्रोग्राम? प्रोग्राम बढ़िया है। बढ़िया, किसका प्रोग्राम आ रहा है? प्रोग्राम इसके अरे है। किसका है? खट्टर का ही है। खट्टर का? हाँ। वो छोरा कौन सा जिसने प्रोग्राम कर रखा है? अरे उसका नाम मेरा जान को नहीं भाई। हर्षवर्धन मान है? हर्षवर्धन मान। हाँ किसा से छोरा? छोरा बढ़िया है। स्वभाव बढ़िया है? हाँ घटिया क्यों। तो जी यहाँ पे गाड़ियों का लंबा जाम देखिए, लगभग 15 किलोमीटर उस साइड तक जाम लगा हुआ है। तो हाँ भाई जी, कितना लंबा जाम लग रहा है पीछे जी? जाम जुम तो अच्छा लंबा लग रहा है भाई। लंबा लग रहा है। किसी पोजीशन अपने मान साहब की? बढ़िया पोजीशन है। मिले हो कदे पहले? कई बार। किसा स्वभाव है जी मान साहब का? बढ़िया स्वभाव है। बढ़िया स्वभाव है। चांस लागे कुछ? चांस कुछ से। बहुत धन्यवाद। तो जी बहुत लंबा जाम पीछे लगा हुआ है और
पुलिस की गाड़ियां भी हुई सिक्योरिटी में आ रही है और पीछे के दो बुजुर्ग और मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। माताव जी राम राम। कहा होता है राम राम जी। सर किसा प्रोग्राम है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर्षवर्धन जो है ओम प्रकाश मान जी के लड़के हैं जी, बड़े माने ताने और सामाजिक आदमी हैं जो हरियाणा के अंदर बड़े छाए हुए हैं जी। पहले इन्होंने वारू से टिकट मिला था जी जी भाजपा का जी, किसी वजह से वहाँ इलेक्शन न लड़ने की वजह से आज ये इतनी दिक्कतें आई है जी। नहीं तो ये ऐसे आज दुधारू नेता हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा के अंदर मान नाम से जाना जाता था, लोग गांव के हैं। टिकट के चांस है कुछ? टिकट के चांस इनको अगर टिकट मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा वोटों से विजय हासिल करेंगे। मान जी का माताओ जी राम राम। राम राम भाई किसा है जी प्रोग्राम? बढ़िया खूब। कितनी भीड़ भाड़ है? अच्छी है, एक नंबर की। तो जी टिकट के चांस है कुछ? बढ़िया प्रोग्राम भाई, खूब बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ जी बोल रहा हूँ, आपका नाम बताओ। मैं तो उमेश सिंह सिवाच गांव मित्ता थल। चौधरी उमेश सिंह सिवाच मित्ता थल ने अपने विचार रखे हैं। तो पीछे भाई पूरा लंबा जम और साइड प्रोग्राम चल रहा है, हर्षवर्धन मान साहब का वो स्टेज है और ये पीछे जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित किया गया है मैं दिखाना चाहूँगा पीछे से। कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ से दिखाए कि जो पूरे पीछे व्यवस्था की गई भाई, गजब का प्रोग्राम है। और भाई कति बिघन है भीड़ तो, मतलब दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर में जाम लाग रहा है, लिकटन की जगह को नहीं। और पीछे देखो वापस स्टेज पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।